टायर के ऊपर अलग अलग टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर लिया और इसी पे मार दिया, वो उतना कारगर साबित नहीं होगा। इसी के लिए अलग अलग टाइप के बनाए गए हैं। अब ये आपके फील्ड में आता है ABC, तीनों में काम, ये तीनों फॉर्मेट पे काम आता है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास ऑफ फायर पे। इसमें रहता है मोनो अमोनियम फास्फेट नामक पाउडर और ये प्रेशराइज किया होता है, ये स्टोर प्रेशर रहता है नाइट्रोजन गैस से। अभी इसका इस्तेमाल कैसा है, तो यहाँ पे आपको एक नीडल दिया गया है, एक वॉच दिया गया है। वो वॉच में आपको यह क्लियर किया दिखता है कि ये जो नीडल है ये हरे गया हरे जोन पे है, यानी ये कैसा है, टोटली प्रेशराइज्ड। ओके, अगर ये नीडल, आपका नीडल ये लेफ्ट साइड में जो ये रेड सिग्नल दिया है, रेड सिग्नल पे आता है, तो इसका क्या होगा, पाउडर तो रह जाएगा इसमें, लेकिन इसका जो नाइट्रोजन प्रेशराइज किया हुआ है वो खाली हो जाएगा, यानी इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं रहेगा। आप इसको ऑपरेट भी करेंगे तो भी ये ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रेशराइज पाउडर निकलने के लिए वो प्रेशर क्रिएट होगा ही नहीं, वहाँ पे है ही नहीं। तो पहली बात हमको इसके ऊपर ध्यान देना। दूसरा है इसका सील, यहाँ पर सील लगा होता है, हर फायर एक सील लगा है, एक क्लिप लगा है, नाइट्रोजन लीक होता है क्या, ये रबर गैसकेट से प्रेस, यानी प्रेस होते रहता है, कभी कभी खुदा न खासा हो जाता तो ये आपको यानी पाउडर रहेगा लेकिन एम्प्टी हो जाएगा, तो इसको हम रिफिल अलग बाजू में रखते। तो ये आपको इस्तेमाल करने के पहले ये सब आपने देख लिया, सब ओके है, अभी आग लगी है, आपको इस्तेमाल करना है, तो आपको कुछ दिन ये सील तोड़ देना है, क्लिप निकालना है, और इसका जो ग्रिप है, इसको स्विच ग्रिप बोलते हैं, स्विच ग्रिप को आपको ये प्रेस करना है, कहाँ पर, आपके ऊपर नहीं, आपके बेस पे। अगर ऊपर मारेंगे तो ये ऊपर ही चले जाएगा, बेस को मारेंगे तो कम से कम वहाँ पर वो ऑक्सीजन को आने नहीं देगा। ये क्या करेगा, ये धुआँ क्रिएट करेगा। धुआँ क्रिएट करने से होता क्या है, जो उसमें ऑक्सीजन इंजेक्ट हो रहा है आग को भड़काने के लिए, उसको ये रोकेगा, नहीं क्या, उसको रोकने के बाद ऑक्सीजन जब उसको मिलेगा नहीं आग को, तो वो अपने आप बुझ जाएगा। दूसरा आता है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, ये है BC क्लास के ऊपर चलने वाला, यानी इसको आप डीजल ऑयल पेट्रोल की आग के ऊपर और इलेक्ट्रिकल आग के ऊपर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नामक पाउडर रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट नामक पाउडर रहता है, और इसमें CO2 गैस कार्ट्रिज होता है, जैसा ये 5 kg का है, ये डिफरेंट टाइप में बनता है सर, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, 75 kg, जितना आप चाहे उतना बना के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें गैस कार्ट्रिज होता है CO2, ये 5 kg का है, तो इसमें आपको 120 ग्राम गैस CO2 गैस काटने इंजेक्ट होता है, 10 kg में 200 ग्राम, ऐसा इस टाइप से बढ़ते जाएगा। तो इसका भी इस्तेमाल बता देता हूँ आपको, हर बार क्या होता है, कम ऐसा मार देते हैं लेकिन ये प्रेस नहीं होगा। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, यहाँ पे सील लगा है, आपको ये सील निकाल के ये क्लिप निकाल देना है, लेकिन इसके पहले आपको एक बात करनी है, इसमें ये इस्तेमाल करने से पहले आपको इसको पहले हलाना है। इसका क्या होता है, ये एक जगह पे रहते हुए तो इसका पाउडर थोड़ा सा टाइट आ जाता है, इसको थोड़ा आप हला देंगे तो ये क्या होगा, एयरबेस हो जाएगा पाउडर, और ये होस के जरिए बाहर आएगा, जैसा ये यहाँ से आ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, इसका जो साइपन ट्यूब लगा है नीचे तक वो टोटली क्लियर है, इसका मतलब ये ऑपरेट होने के लिए एकदम रेडी है आपका। कभी कभी ऑपरेट नहीं होता तो इसका प्रेशर भी कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, इसको फोड़ के निकलेगा, ये हमारे लिए घातक है, इसीलिए ये थोड़ा सा इसको कोई भी ऑपरेट करने से पहले इसको आप पलटा कीजिए, अगर पाउडर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने इसको बनाया है, क्लियर किया है, इसलिए आ रहा है, लेकिन कभी नहीं होता तो आपको इस्तेमाल करने के पहले आपको इस टाइप से रहना है, ताकि अगर प्रेशर यहाँ से ना निकले, कहीं बाजू से निकलता है या क्या, आप फोड़ के निकलने की कोशिश करता है तो ये आपके शरीर के ऊपर ना, इसलिए आपको इस पोजीशन में रह के
इस टाइप से होस पकड़ के इसका क्लिप आपने निकाल दिया है, उसके बाद में इसको पंजर करना है एक ही बार। तो ये क्या करेगा, जो गैस कार्ट्रिज को लगा हुआ झिल्ली है उसको फोड़ेगा और प्रेशर क्रिएट करेगा अंदर में, क्रिएट करके यहाँ से पाउडर बाहर निकाल। तो ये पाउडर आपको आग के बेस के ऊपर मार। और तीसरा आता है वहाँ पे लगा हुआ है CO2 गैस, वो है स्पेशली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर काम होने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो गैस है, अगर आप गैस सरफेस पे मारेंगे तो उसका उतना असर नहीं होगा, उड़ जाएगा इधर उधर, इसीलिए उसको बंद कमरे में, यानी इलेक्ट्रिक पैनल ज़्यादातर बंद कमरे में रहता है, इलेक्ट्रिक पैनल के ऊपर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो मॉइस्चर नहीं छोड़ेगा, यानी उड़ जाएगा, आपका केबल ख़राब नहीं करेगा, आपका ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं करेगा, वो सारा आपका यानी आर्थिक नुकसान नहीं होगा, इसीलिए उसको बनाया। तो आप सरफेस पे मारेंगे सर तो वो उतना कारगर नहीं है, उसको बंद कमरे में मारना है, इसलिए हम पैनल में CO2 ही देखेंगे। तो इतना दूरी से मतलब ये करना है इसका दूरी से जैसा ये 5 kg का है तो इसका प्रेशर है 90 kg/cm², यानी ये लगभग आपको 8-10 feet से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आग के ऊपर। अभी ये जो आग लगी है ये सेकंड कैटेगरी के आग है, तो इसके ऊपर ये इस्तेमाल हो सकता है, कोई इस्तेमाल करेगा। चेतन देखना है, चेतन जाना कुछ नहीं डर रहा है ऐसे भाई। ओके, अभी आपको क्या करना है कि आप सील लो, खींच लो, ओके है, हाथ बढ़िया मजबूत से पकड़ो, अभी पहले होश पकड़ लीजिए, ओके, अभी आपको पंजर दबाना है, थोड़ा चना मुंह छोड़ने थोड़ा चना मुंह छोड़ने छोड़ने का नहीं है, हाँ इसको दबा दीजिए जोर से, इससे कुछ दबा, हाथ से ही दबाओ ना जोर से, ये बेस हो गया ना, बेस के ऊपर मारना है आपको। अब ये क्या हो गया, ये धुएं के वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन क्रिएट नहीं होगा, ये ऑक्सीजन को दबा देगा, आग बुझ जाएगा। इस टाइप से ये ऑक्सीजन को बुझा देगा, ये छोटा साइज है, इसमें बड़ा साइज लगेगा, खाली हो गया ये, हाँ ये खाली हो गया, खाली हो गई इतनी में, हाँ बुझी नहीं है, नहीं ये बड़ा साइज, बड़ा साइज चाहिए, नहीं सर समझने की बात है और कुछ नहीं है, समझने की बात, इसमें लगभग इसको बुझाने के लिए आपको कम से कम 15 kg का सिलेंडर चाहिए, 5 kg का इस्तेमाल नहीं होगा। और इसका भी देखिए मैंने सील तोड़ दिया है, इसका क्लिप निकाल दिया है, अब इसको खाली क्लिप कर रहा है, और ये सब वन टाइम ऑपरेट वाला है, एक ही बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, बार बार नहीं, एक बार पंजर हो गया तो हो गया। क्या था क्वांटिटी होना था, 15 kg अपन ने बड़ा लगाया ना।